अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान अहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे ताकि आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर फोकस कर सकें। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप देखेंगे कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला होगा इन फ्यूचर एग्जाम में। वो क्यों? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो इस पॉइंट व्यू से एक्सरसाइज 3.5 के जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। नो डाउट के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, लेकिन आप अगर देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये हम बोलते हैं अगर ये 60% है, ये 70% है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये 90% एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सही जी बेटा, क्यों? क्योंकि मेन वजह ये है कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 1 के कांसेप्ट होना जरूरी होंगे। ठीक है जी बेटा, और बड़ी मजे की बात है, आप क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो आराम से अडैप्ट कर लेंगे। कब? जब आपके पास प्रीवियस एक्सरसाइज अगर आप पढ़कर आए हुए हैं, तो कोई नई चीज या कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस यहां पे क्या किया गया है, जितनी भी चीजें हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी हैं वो मिल मिला के यहां पे दे दी गई हैं। सही है जी बेटा, तो हमारे तमाम कॉन्सेप्ट वही यूज होने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल यहां पे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमें फिलहाल एंड फाइनल ये चीज पता चल चुकी है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक है जी, तो आई होप आप अब इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह 10 ईयर या 5 ईयर बन जाए तो आप इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन से भी देखेंगे कि यहां से पास पेपर के हिस्सा बना होगा, तो ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल यहां पे हम इसकी डिस्कशन करते हैं क्लोज और अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, फिलहाल यहां पे जरा बता दें कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है वो भी जरा देख लेना, ताकि बच्चे परेशान ना हो। यार करना क्या है, वही बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड dy/dx when। बेसिकली नीचे आपको फंक्शन दिए गए हैं, आपको dy/dx मालूम करना है, यानी कि डेरिवेटिव लेके देना है इनका। सही है जी बेटा, तो चलें जी डेरिवेटिव के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि दिया ये कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव लेके दें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन था x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू 1, सही जी बेटा, वो लिख लिया। हमें बेसिकली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले एक चीज जरा नोट करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो बेस में भी है और वेरिएबल हमारा पावर में भी है, तो लिहाजा इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक लॉग, ठीक है जी, लॉग यानी कि एल एन नेचुरल लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग को ले लेंगे। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे हमारे पास x की पावर y इंटू वाई की पावर x है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ln है, तो उसके ऊपर ln 1 के साथ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो उसको हम सम में करके लिख सकते हैं। सही है जी बेटा, ये log की प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास x की पावर y ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास y की पावर x है। सही है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ln 1, तो ln 1 की वैल्यू होती है 0। आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इस फंक्शन को देखिएगा, ये ln लिखा हुआ है, आपने ln लिखा है, ln की कौन सी वैल्यू चाहिए, 1, तो ln 1 निकालेंगे, ln 1 की वैल्यू 0 आ गई, तो लिहाजा आगे आप सिंपल लिख देंगे ln 1 इज 0। ठीक है जी बेटा, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें ln की एक और प्रॉपर्टी पता है, यानी कि log की एक और प्रॉपर्टी पता है कि भाई जो चीज ln के साथ चीज लिखी हो उसके ऊपर जो पावर हो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे ln के साथ जो पावर है इसको हम मल्टीप्लाई में लेंगे ln x के साथ। इसी तरीके से यहां पे हम क्या करेंगे, ln y है, इसके ऊपर पावर x है, तो इसको मल्टीप्लाई में लेंगे इसके साथ, इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आती है, आई थिंक समझ आती है। तो भाई इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर तौर पे सॉल्व कर लिया है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। इसी वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा इस टर्म के ऊपर, ठीक है जी बेटा, और फिर इस साइड के ऊपर भी
आ जाएगा, ठीक है जी। साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे जो जीरो है जीरो पे आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन एक मेन टर्म ये है और एक मेन टर्म हमारे पास ये है, तो इनके पास ले आते हैं, तो साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा वाई इंटू एल एन एक्स पे, और इसी तरीके से साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन आएगा एक्स इंटू एल एन वाई पे, और इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जीरो ही होता है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा जी, अब हम लोगों को क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जरा देखें, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, यानी कि दो फंक्शन है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बात हम लोगों को मालूम है कि जब भी डेरिवेटिव के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो उनका डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो इस चीज को हम इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाएगा। तो फिलहाल हम आ जाते हैं पहले इस ऑप्शन पे। तो भाई पहले वाले को यू कंसीडर कर दें, दूसरी वाली टर्म को वी कंसीडर कर दें और इससे एक्सपेंड कर दें। सही है जी बेटा, तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय वी। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ यू, यू हमें यहां पे क्या प्रेजेंट किया गया है, वाई मल्टीप्लाई बाय वी, तो वी हमें यहां पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, एल एन एक्स। सही है जी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस डेरिवेटिव of v multiply by u, तो भाई derivative of v, v हमारे पास यहाँ पे ln x है, सही है जी बेटा, और multiply by u, तो u हमारे पास y है, clear है इतनी बात, जबरदस्त तरीका। अब इसी तरीके से इस side पे आ जाएं, ये जो पूरी चीज़ थी हमने इस form से expand कर दी, अब इसी तरीके से इसको भी expand करेंगे, तो इसको u consider करें और दूसरे वाली term को v consider करके इस ही formula से expand कर दें। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में तो प्लस था, सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई वी, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ यू, यू हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक्स, और मल्टीप्लाई बाई वी, तो एल एन वाई है, सही जी बेटा। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, ठीक है जी बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ वी हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ वी, वी वैसे हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट किया गया है, एल एन वाई, तो यहाँ पे एल एन वाई लिख दिया जाएगा। फिर उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यू, यू हमारे पास क्या है, एक्स है, तो यार यहाँ पे मुझे एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं यूँ लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा काम चल जाए। तो ये किस क्या मल्टीप्लाई होगा, इससे इससे एक्स मल्टीप्लाई होगा, सही है जी बेटा। अच्छा जी, तो हमने इस टर्म को भी और इस टर्म को भी ये एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है जी बेटा। अब हम डेरिवेटिव्स के बेसिक चीज़ें लगा के और अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो बेटा ये डी y अपॉन डी एक्स ही रहेगा, इसका कुछ चेंज नहीं होना। फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एल एन एक्स से हो रहा है, वो इसके साथ ऐसी का ऐसी रहा। फिर इसके बाद क्या करना है, अगेन हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है एल एन एक्स का, तो भाई एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कि भाई एल एन एक्स, एल एन के साथ जो भी चीज़ लिखी हो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है, क्लियर है। फिर ठीक है जी बेटा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ था, वाई, तो वो वाई फिर ऐसी का ऐसी रहा। आगे चलते हैं प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, ठीक है जी बेटा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एल एन वाई से हो रहा है। फिर आगे चलते हैं, आगे ये प्लस लिखा हुआ है और प्लस के बाद डेरिवेटिव लेना है एल एन वाई का, तो भाई एल एन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन के साथ क्या चीज लिखी है, वाई, तो वाई का होगा रेसिप्रोकल, और अगेन हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास एल एन के अंदर एक्स अगर लिखा होता तो वहां हम सिंपल रेसिप्रोकल कर देते, लेकिन यहाँ पे उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसीलिए dy upon dx यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है कि ln के साथ जो चीज थी उसका रेसिप्रोकल हो गया और उसके बाद उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और इस पूरी चीज से हमारे पास x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखा रह गया। अच्छा एक चीज जरा देखिएगा, ये इक्वल टू जीरो है, तो इसके बाद इक्वल टू जीरो आएगा और इसके बाद भी इक्वल टू जीरो आएगा, सही है ना बेटा। अच्छा जी, इतनी बात हो गई, अब इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं। ये dy upon dx है, ये मल्टीप्लाई है ln x है, उसके बाद यहाँ पे जरा देख लें, तो y को इससे मल्टीप्लाई कर दें, y अपॉन x हो जाएगा, 1 को आपने इससे ln से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ln y हो जाएगा, और इधर जरा देखिएगा तो हमारे पास कुछ चीज आ रही है, x वन ज x अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, सही है जी बेटा, और इक्वल टू जीरो है। आई होप बोथ मोस्टली सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारा आगे काम स्टार्ट हो, तो बेटा अब जिस टर्म के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, उसको इधर ही रहने दें और बाकी तमाम चीज़ों को उस साइड में भेज दें, सही है जी बेटा। तो चले जी आई करते हैं, तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स है और इसके अंदर एल एन एक्स है, ये वाली वैल्यू, और इसके अलावा प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटा ये जो दो वैल्यू है मेन इस साइड पर ही रही है और बाकी जो भी वैल्यू है इक्वल
सर्कल के उस साइड पर भेज देते हैं, तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और ये माइनस एल एन वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? समझ में आती है। अब इन दोनों टर्म के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इस स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जरा देखिएगा एल एन एक्स प्लस x अपॉन y हमारे पास आ जाएगा। सही है बेटा। इसके अलावा जरा देखें, इनके अंदर माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। सही है जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ले सकते हैं एलसीएम। सही जी बेटा। तो इधर भी एलसीएम लेते हैं, इधर भी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर्स को कर दे मल्टीप्लाई। तो इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे वन है, वन को वाई से मल्टीप्लाई किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो वाई इंटू एल एन एक्स प्लस वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स वन जा एक्स, तो ये हमारा एलसीएम ये आ गया। इसी तरीके से इक्वल टू माइनस वन है, अब इधर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का आसान तरीका, डोमिनेटर्स को कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सही है जी। और ये इधर जाएगा, तो ये एक्स इंटू एल एन वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स को इस साइड पे रखें, ठीक है जी बेटा, और बाकी चीज़ों को उधर भेज दें। तो इसके लिए अब जरा देखें हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये माइनस का वन है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, आपको ये बात समझ में आती है? आप जरा, अच्छा एक और चीज़ जरा देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू पहले लिख दी और y इंटू एल एन एक्स था, तो इसको मैंने बाद में करके लिख दिया, ठीक है ना, सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा है ये पूरी की पूरी वही वैल्यू। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो तो मैं बता दूं कि कोई नई चीज़ नहीं की, बस अरेंज करके लिखा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में ये चीज़ डिवाइड में थी, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में थे, इधर जाके डिवाइड। उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ तो पूरी ऐसी की ऐसी ही लिखी रहेगी, ठीक है जी बेटा। तो ये आपका आंसर है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें ताकि आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वही आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये y अपॉन x लिख देंगे, जो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो ऊपर आप जरा देखिएगा, ऊपर आपके पास ये जो y है आपने बाहर लिख दिया, ऊपर इस साइड पे y माइनस x इंटू एल एन y रह जाएगा, ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से नीचे आ जाए, तो नीचे आपने ये जो नीचे वाली वैल्यू थी ये x था, x को इस साइड पे लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, x प्लस y इंटू एल एन x है। तो भाई यही आपका फाइनल आंसर है। सही जी बेटा, सिंपल इस चीज को अरेंज करके लिखा हुआ है। आंसर शीट पे आंसर भी चेक करा दें, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 किया है, तो आप देख सकते हैं वही आंसर लाए हैं जो कि बुक के पीछे दिया गया है। अच्छा यार, एक चीज जरा देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे कोई गलती तो नहीं मैंने कर दी? यस, अच्छा जरा बताऊँ, सिर्फ एक गलती, कुछ भी नहीं की, सारा हमारा आंसर सेम है। यहाँ पे जरा देखिएगा, इधर प्लस है, इधर मेरे पास माइनस है, तो माइनस बताऊँ क्या हुआ है, मैंने जब इधर एलसीएम लिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस था, तो ये मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। सही है बेटा, एक छोटा सा मासूम सी गलती में से हो गई थी, थोड़ी सी माजरत। सही जी बेटा, तो आपको पता है कि जब ये दोनों माइनस थी, हमने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास प्लस में वैल्यू थी, ठीक है ना बेटा, एलसीएम लिया था, तो गलती से मेरे साथ माइनस लिखा गया था, इसकी माजरत। तो ये प्लस था, तो इधर भी ये प्लस ही रहेगा। सही है बेटा, और इस तरीके से यहां पे भी ये प्लस ही रहेगा। सही है, अब आप आंसर आराम सुकून से देखिएगा, हमारा आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल आई थिंक अब आपको फुल नजर आ रहा होगा। सही है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही आंसर लाए हैं जो कि बुक के पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी यही बात करूंगा कि अक्सर क्या होता है कि भाई मैं अभी आंसर शीट रखने लग गया हूँ, इसलिए रखने लग गया हूँ कि भाई इंसान है, गलती हो जाती है प्लस माइनस की। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर बच्चों के बड़े खतरनाक कमेंट आ रहे होते हैं, सर आपको तो आता ही नहीं है। तो भाई बात यह है, इंसान है, गलती हो जाती है। भाई गर्मी में वीडियो बना रहे होते हैं आप लोगों के लिए, उसके अलावा आज माशाल्लाह आजकल रमज़ान शरीफ भी चल रहे हैं, उसकी भी थकावट है, जॉब भी माशाल्लाह कर रहे हैं आपका सर, तो सब तमाम चीज़ें हैं, तो थोड़ी सी गलती शलती हो जाती है, उसको इग्नोर करा करें। लेकिन आंसर अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, ठीक है ना बेटा, मतलब कि समझ आता होगा जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसी बात पे वीडियो कर दिएगा लाइक। लेकिन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है, ये कहा गया है इसका डेरीवेटिव लेके दें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने हूबहू यहाँ पर लिख दिया गया है। बेटा इस क्वेश्चन का लेना है डेरीवेटिव, लेकिन डेरीवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि इसका सलूशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ln x into y, ठीक है जी बेटा। तो भाई ये हमें पता है कि ln के अंदर दो चीजें जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं तो हम इसको सम में करके लिख सकते हैं। तो ये ln x
प्लस इंटू एल एन वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल, लोग की जो एक प्रॉपर्टी थी उसको यूज किया है। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो भाई चले जी आ जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है जी बेटा। तो इसी वजह से डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी सही है बेटा, और डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा, सही जी। साइन ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रम और स्ट्रम, और इसी तरीके से स्ट्रम और स्ट्रम के ऊपर भी आ जाएगा ताकि हम उसका डेरिवेटिव ले सकें, सही है जी बेटा। तो डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स के साथ आएगा, और डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा एल एन वाई के ऊपर आएगा। इसी तरीके से ये डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ, और डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा, क्लियर। अच्छा जी आगे चलते हैं, अब डेरिवेटिव लेना है एल एन एक्स का, तो भाई एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, तो उसका हो गया वन अपॉन एक्स। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है एल एन वाई का। तो हमें पता है एल एन के साथ जो चीज होती है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है, लेकिन यहां पे हम इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हमारे पास एक्स से बढ़कर चीज लिखी हुई है, एक्स से हटकर चीज लिखी हुई है, तो इसीलिए हम यहां पे ln का बॉक्स वाले फार्मूले का कांसेप्ट करेंगे कि ln के साथ जो चीज है उसका रेसिप्रोकल और उसका फिर डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है जी बेटा। इतनी बात क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लाई में ले आओ और इसकी पावर से एक कम कर दो। आगे चलते हैं, अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर मल्टीप्लाई में लेंगे, इसकी पावर से एक कम करेंगे, तो दो में से एक गया वन बचा, वन ऊपर लिखो या लिखो कोई मसले की बात नहीं है। अगेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो पावर रूल इसके साथ लगाया और इसके बाद इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक तरीके से बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी यहां तक हो गई कहानी क्लियर? बिल्कुल हो गई होगी क्लियर। अब हम आगे एक चीज कर रहे हैं बेटा, वो ये कर रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो वैल्यू ना उनको एक साइड पे कर रहे हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स की वाली जो वैल्यू उनको दूसरी साइड पे कर रहे हैं। कि भाई बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स जिन टर्म के अंदर है उनको एक साइड पे कर रहे हैं, और जिन टर्म के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको एक साइड पे कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा क्या होगा। तो ये वन अपॉन वाई इन टू डी वाई अपॉन ये डी एक्स है, ये प्लस का है, इस साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, सही है जी बेटा। इक्वल करते हैं, ये इक्वल के इस साइड पे जाके ये 2x है, ये प्लस का है, इस मतलब ये 1 अपॉन x है ना, इसके अंदर dy अपॉन dx नहीं है, तो ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, सही है। आप देख सकते हैं ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, और ये प्लस का था इस साइड पे जाके माइनस का हो गया। तो हमने इस स्टेप में सिर्फ ये किया है कि जिन टर्म के अंदर dy अपॉन dx था उसको एक साइड पे किया है, और जिनके अंदर नहीं था उसको इस साइड पे कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले इस टर्म के अंदर तो dy अपॉन dx आ रहा है, उसको हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन y माइनस 2y बच जाएगा, सही है जी, और इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका लेंगे LCM, तो LCM ले लेते हैं, तो भाई यहाँ पे LCM लेने का वही आसान तरीका, डोमिनेटर्स को कर दें मल्टीप्लाई, तो y वन जा y, फिर कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y से y मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर इक्वल टू, अब लेंगे इसका LCM, तो LCM लेने का अगेन वही मशहूर तरीका, डोमिनेटर्स को कर दें मल्टीप्लाई और फिर कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। इतनी बात, अच्छा जी अब आगे जरा देखो यहाँ पे क्या होगा। यार ये मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए, मैं खिड़की बंद करूंगा फिर नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इरिटेट हो रहे तो भाई माजत, मैं खुद इनसे बड़ा इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, फिर वीडियो को बेफजूल रिकॉर्ड हो रही है, मैं परेशान हूँगा, काटूंगा पीटूंगा मच्छरों को भगाऊंगा, तो हम क्वेश्चन का सलूशन ही करते हैं, ठीक है। आ जाए, अच्छा बेटा तो भाई यहाँ तक कहानी समझ आती है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू, ये डिवाइड है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड इक्वल के उस साइड पे जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, सही है जी बेटा। लेकिन ये किससे आएगा, इससे आएगा, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी बेटा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है। तो वो अरेंजमेंट क्या किया, जरा देखो, ऊपर हमारे पास y है, नीचे हमारे पास यहाँ पे x है, सही जी बेटा। इसको ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस
2y2। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है, यानी कि जो ये वाली वैल्यूज तो इनको इसमें रख दिया और x अपॉन y अपॉन जो x है उसको अलग करके लिख दिया। ठीक है, यानी कि इस चीज को हम यूं लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज की गई है आपकी बुक के अंदर, वो क्या की गई है कि भाई ये y अपॉन x है, ये माइनस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया मैं अभी बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे से क्या क्या है, माइनस कॉमन लिया गया है, तो आप नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे इसीलिए ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया। अब ये प्लस की वैल्यू थी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू थी तो ये प्लस का हो जाएगा। सही जी बेटा, तो इसलिए हमने इसका ऑर्डर भी चेंज करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। इतनी बात क्लियर है? अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं तो आपको फुल एंड फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 किया है, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल वही आया है जो कि बुक के पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। सही जी बेटा, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमने यहां पर लिख लिया है, तो चलें जाएं इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सलूशन लिखा, सलूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, y into sin inverse cos x, ठीक है जी बेटा, प्लस cos inverse, ठीक है जी बेटा, और sin x। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो हमने हूबहू लिख लिया है। ठीक है जी बेटा, हमें इसका करना क्या है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो चलें जी यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख देते हैं, जोन सी स्पेलिंग आपको आसान लगे वो आप लिख दिएगा, परेशान मत हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसी वजह से डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर होगी भाई, कोई मुश्किल थोड़ी है। क्यों? अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन एक इस टर्म और इस टर्म के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो चले जी लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स कोस एक्स, ठीक है जी बेटा, और इस तरीके से साइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन कोस इनवर्स साइन एक्स के ऊपर भी आ जाएगा। सही है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसका लेना है साइन इनवर्स। ठीक है जी, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है। तो भाई ये बात हम लोगों को पता है कि भाई डेरिवेटिव लेना हो साइन इनवर्स का तो वो क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। सही जी बेटा, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि एंगल में जो चीज लिखी हो उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एंगल में आपके पास क्या लिखा हुआ है, कोस लिखा हुआ है, तो भाई कोस का ही स्क्वायर हो जाएगा। सही है जी बेटा। इसके बाद एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया, लेकिन जब भी यहाँ पे एक्स से बढ़कर कोई चीज हो तो भाई उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एंगल में एक्स नहीं लिखा हुआ, कोस एक्स लिखा हुआ है, यानी कि एक्स से हटकर कोई चीज दी गई है, तो इसी वजह से इसका डेरिवेटिव यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। सही जी बेटा, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये पूरी टर्म हो जाएगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अब हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है कोस इनवर्स का। तो भाई कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे यही कह रहे होंगे, सर साइन इनवर्स का भी यही होता है या कोस इनवर्स का भी यही होता है? नहीं भाई, भाई कोस के साथ सिर्फ माइनस आ जाता है, साइन का भी बिल्कुल वही चीज होती है लेकिन कोस में सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है जी बेटा, तो कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ये हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे इसके साथ, तो फिलहाल यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे कोस का। तो भाई कोस का डेरिवेटिव क्या है, कोस का डेरिवेटिव हमने वो ही देखा कि भाई वन माइनस यहाँ पे एक्स है, यानी कि एंगल में एक्स लिखा है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे एंगल की जगह एंगल में साइन लिखा हुआ है तो भाई साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे ये माइनस एक नेगेटिव वैल्यू होती है तो लादा उसका नेगेटिव आ गया। इसके अलावा एक और चीज, भाई यहाँ पे कोस इनवर्स में यहाँ पे एक्स था तो एक्स का स्क्वायर आ गया, और ये बात हम जानते हैं कि जब भी हमें x के अलावा कोई चीज दे दी जाती है तो भाई उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो भी डेरिवेटिव आता है। तो फिलहाल हमारे पास ये चीज हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, जो एंगल में जो भी चीज लिखी है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो एंगल में क्या चीज लिखी हुई है, साइन x लिखा हुआ है, तो लिहाजा उसका डेरिवेटिव इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्लियर?
क्लियर एंड क्लियर, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो ये डेरिवेटिव अगर समझ आ गया, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आ गई तो समझ लो आगे तो हलवा है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। आगे बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, तुम लोग इजीली समझ जाओगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे ज़रा देखते हैं, अच्छा इसको हम डायरेक्ट ना कर दें, ज़रा देखो बेटा नीचे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ कोस लें, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ठीक है जी बेटा, और माइनस साइन को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास माइनस साइन ही आएगा। सही जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है, ये पूरा एक दो मिनट मैंने सोल्व कर दिया। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फॉर्मूला शीट भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई थी, हाँ ये देख सकते हैं, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। तो इसीलिए हमने क्या, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ये वन था, वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज हमारे पास कुछ यू बन जाएगी। आगे चलते हैं, अब इधर जरा आ जाए, ठीक है जी बेटा। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे हमने इधर किया वैसे इधर भी करेंगे कि भाई वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव कोस है, तो भाई कोस मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो ये माइनस कोस हो जाएगा। सही जी बेटा, अच्छा जी यहाँ तो होगी कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा जी अब इसके बाद हमें एक आइडेंटिटी याद है कि भाई वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के, ठीक है जी बेटा। और इसी तरीके से वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के। बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी आपको ये चीज़ें देख के, तो फिलहाल इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है जी बेटा। तो दिल खुश हो गया होगा इतना आसान फार्मूला देख के, ठीक है ना बेटा। तो फिलहाल चलते हैं, तो इसको ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस साइन एक्स है, और इसके बाद इसके डिवाइड में हमारे पास क्या था, वन माइनस कोस स्क्वायर है, तो वन माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है जी बेटा। और कोई चीज़ तो नहीं है करने की, नहीं फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। तो और यहाँ पे ये जो कोस एक्स है, और इसके डिवाइड में क्या है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, तो अंडर रूट वन साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के, तो लिहाजा स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। आगे चलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस का साइन एक्स, ठीक है जी बेटा, एक्स है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। सही है जी बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखते हैं, ये है हमारे पास कोस एक्स, इसके डिवाइड में कोस से कोस नीचे जो है वो कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे कोस एक्स रह जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, साइन से साइन भी, कोस से कोस भी कैंसिल आउट हो गया, इतनी बात तो आराम से समझ आती है। अच्छा जी अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे माइनस का वन, सही है बेटा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास वन रह गया, कोस से कोस कट गया। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर होगी। अब जरा देखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 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 का टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। चले जी आंसर भी चेक करा देते हैं, ताकि आप दिली तौर पे सुकून से आंसर सोल्व कर लें या समझ आ जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर हमने थ्री किया है। आंसर शीट दिखाने का एक मकसद ये भी होता है कि अक्सर टीचर आंसर गलत भी करवा देते हैं, मेरे से भी हो जाता है भाई, गलती से ही होता है, इंसान है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए आंसर शीट सामने रखते हैं कि आंसर भी भाई चेक कर लें, अगर किसी किस्म की कोई गलती हो जाए तो फौरन हाथों हाथ ठीक हो जाए, ठीक है जी बेटा। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो मैं उसको दोबारा अपलोड करके डालूँ, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी वे में जितनी चीज़ें सोल्व हो सके उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने क्वेश्चन कर लिया है, आगे चलते हैं।